गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड कैसे आप सब, आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज आज की जो वीडियो है, आज हम अपनी वीडियो स्किन केयर रूटीन से थोड़ा हटके स्किन केयर डाइट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम इस चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं कि हमें ऐसी कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए और ऐसी कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए जो हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए सच में अच्छी नहीं है और हेल्थी बिल्कुल भी नहीं है। उनका मतलब छोटा सा पोर्शन भी हमारे स्किन के लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम डाइट के ऊपर बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं और पॉइंट पे आते हैं। आज हम स्किन केयर की डाइट के बारे में बात करने वाले, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गाइस एक्चुअली क्या होता है, आपकी बॉडी वर्क किस अकॉर्डिंग करती है। अगर आपको आप मोटे हो या पतले हो, कोई भी हो, अगर आप फिट फॉर्म में आना चाहते हो तो आपकी जो बॉडी है किस अकॉर्डिंग काम करती है वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर ही हम स्किन के डाइट के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, 100% अगर आपकी बॉडी देखी जाए तो 80% आपका रोल होता है डाइट का और 20% होता है एक्सरसाइज, जिम वगैरह जो भी आप करते हो, वॉक करते हो, स्किपिंग करते हो, जो भी एक्सरसाइज में जो भी करते हो, उसका सिर्फ असर होता है 20% ही आपकी बॉडी उसको लेती है। अदरवाइज 80% आपकी बॉडी आपकी मतलब 80% बॉडी डाइट को कंज्यूम करती है। क्योंकि अगर आपकी डाइट प्रॉपर रहेगी तो अगर आप जिम में नहीं भी जाओगे तो भी आपकी बॉडी एक सही फॉर्म में, सही फिट फॉर्म में आ जाएगी। क्योंकि ये एक अपनाया हुआ प्रोसेस है कि अगर आपकी डाइट ठीक रहेगी तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी। अदरवाइज आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, जितना मर्जी जिम में पैसा फूक लो, कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मेन फोकस तो आपका डाइट का ही होता है। तो आगे हम बात करते हैं स्किन की डाइट के बारे में। जो आपकी बॉडी होती है उसका मिरर आपका फेस होता है, तो आप जो भी खाते हो आपके फेस के ऊपर दिखता है। ऑयली फूड वगैरह खाया होगा तो आपके पिंपल्स आने, मतलब आपके पिंपल्स आ जाएंगे एक या दो, या फिर अगर आप पानी नहीं पीते होगे तो भी आपके पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो एक मिरर है, जैसे कहते हैं ना कि पेट की गड़बड़ी, 80% तो जो गड़बड़ी होती है वो पेट की गड़बड़ी से ही सब कुछ सिस्टम हिल जाता है, एसिडिटी की वजह से हो जाता है। तो एक सिस्टमेटिक सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो मेन फोकस सबका कंक्लूजन ये आता है कि आप अपनी डाइट अगर अच्छी रहेंगे तो मतलब आपको डॉक्टर के गेड़े भी नहीं काटने पड़ेंगे, मतलब कोई भी सीरियस प्रॉब्लम होगी नहीं अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम स्किन की डाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज इसके बारे में बात कर रहे थे कि कौन कौन से जो फूड्स है, कौन कौन सी डाइट है जो हम अपने स्किन केयर के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं है, तो आप उसको कंज्यूम जब करते हो ना तो आपके स्किन के लिए वो हार्मफुल होता है। कुछ टाइम के लिए हम टेस्ट के लिए कुछ चीजें चख लेते हैं, सोचते हैं कि टेस्टी है, लेकिन वो जो टेस्ट आपके अंदर जाके वो कितना ज्यादा हार्म करता है वो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप अपनी बॉडी के अंदर नहीं झांक सकते कि आपकी बॉडी के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है। सिर्फ वो 2 मिनट के टेस्ट के लिए आप जो कंज्यूम कर लेते हैं वो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए गाइज बी अवेयर, आपको वो चीजें बिल्कुल नहीं खानी है जो ज्यादा टेस्टी हो। आपको ये मतलब अपने खुद से प्रॉमिस कर लेना है कि आपको अपनी स्किन, अपनी बॉडी का बिल्कुल खास ख्याल रखना है। जो भी डाइट अच्छी होगी वो आपको कंज्यूम करना है, कोई भी बेफालतू की डाइट आपको कंज्यूम नहीं करना। सबसे पहले बात करते हैं हम जंक फूड के बारे में। अगर जंक फूड की बात करूं तो इसके बारे में मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई नीड नहीं है कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। इसके बारे में सबको पता है कि जंक फूड हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शुगर की। अगर मैं शुगर की बात करूं तो आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा कि उन्होंने इतने सालों से शुगर नहीं खाई है, इतने साल हो गए हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज को मैंने देखा है कि वो मतलब शुगर को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया है। ये बात सच है। एक्चुअली ज्यादा शुगर खाने से हमारा इंसुलिन लेवल जो बढ़ जाती है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। एक्चुअली ये जो चीजें हैं ना हमारी बॉडी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी। आप दिन का एक चम्मच शुगर खा सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। हाँ मीठा पसंद है लेकिन मीठा अवॉइड करना स्टार्ट कर दीजिए। इफ आपको जैसे कि आपको अपना शरीर अच्छा रखना है, अपनी स्किन अच्छी रखनी है, तो डाइट तो मेंटेन करनी पड़ेगी और भी स्ट्रिक्ट वाली मेंटेन करनी पड़ेगी। थोड़ा सा अगर भी लूज हो जाओगे आपकी, नहीं संडे है सैटरडे है थोड़ा सा खा लेते हैं, तो वो एक दिन ना आपने जितनी भी तपस्या करी होगी उस पे सब पे वो भारी पड़ जाएगा और ये बात आपको भी पता है। तो ऐसा नहीं करना है। इफ आप स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहे हो तो स्ट्रिक्ट ही फॉलो करो। आगे बात करते हैं हम कैफीन की। और अगर मैं कैफीन की बात करूं तो कैफीन चाय में होता है, कॉफी में होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है, ग्रीन टी में भी अवेलेबल होता है। तो इसका जो हमारे
ब्रेन पे इसका इफेक्ट 6 से 7 घंटे पाया जाता है। और इसका जो इफेक्ट ये होता है कि हमारे जो ब्रेन को बिल्कुल ये एनर्जेटिक कर देता है, बिल्कुल ऐसा कर देता है कि मतलब अब आप काम करने के लिए रेडी हो, मतलब इतनी एनर्जी भर देता है। लेकिन इसका हमें कंजप्शन रात को नहीं करना चाहिए, नाइट में नहीं करना चाहिए, इवन आपको टाइम अकॉर्डिंग दे के करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे अपना असर दिखाता है। धीरे धीरे क्या कर देगा, जैसे आप इवनिंग में अगर इसका 8-9 बजे इसका कंजप्शन करते हो अपनी बॉडी में, तो धीरे धीरे ये असर ये दिखाएगा कि आपको नींद आने की बीमारी हो जाएगी और आपको हेडेक की बीमारी हो जाएगी। तो उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी, और आपको नींद आने के लिए गोलियों मतलब इस पर डिपेंड होना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कैफीन का जो कंजप्शन है वो एक लिमिटेशन तक अच्छा है, लिमिट से ऊपर अगर आप इसका कंजप्शन करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा, क्योंकि इसका ज्यादा कंजप्शन आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन का लेवल अप कर देगा, जिससे कि आपकी जो स्किन है, बॉडी है, वो डल हो जाएगी, और उसमें जो पानी का जो लेवल है ना वो कम कर देता है। तो ज्यादा कैफीन लेना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। गाइस आगे बात करते हैं अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल के लिए भी मुझे नहीं लगता कोई एक्सप्लेनेशन की नीड है, क्योंकि इसे ना ही लेना बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर से जो लोग लेते हैं, मैंने मैक्सिमम देखा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने डिप्रेशन में इसको ले लिया, अल्कोहल को ले लिया सिर्फ उस टाइम पे, सिर्फ अपने डिप्रेशन को भूलने के लिए। लेकिन अगर आपको डिप्रेशन वही चीज भूलनी है, तो गाइस आप मेडिटेशन करो ना, मेडिटेशन करो सुबह उठ के। बहुत सारी चीज जो मेडिटेशन होता है, बहुत सारी बीमारियों का इकलौता एक ऐसा आइडिया, एक मेडिटेशन है, मतलब दवाई है, जिससे कि आप बहुत सारे रोगों से निजात पा सकते हो। जैसे कि अगर आपको नींद ना आने की बीमारी होती है और हेडेक जैसी बीमारी होती है, तो आप और अगर किसी का मतलब जैसे कि डिप्रेस्ड हो गया हो बंदा, या फिर जैसे कि होता है ना कंसंट्रेशन पावर नहीं है, तो बहुत सारे चीजों में ये मेडिटेशन हेल्प करता है। तो आप मेडिटेशन करके अपने डिप्रेशन को रिलीज कर सकते हैं। लेकिन अल्कोहल ये कोई ऐसा मतलब मात्र कोई रास्ता नहीं है कि आप अल्कोहल लेके अपना डिप्रेशन रिलीव कर रहे हो, तो ये तो मेरे को तो कोई करेक्ट रास्ता नहीं लगता। बेसिकली हमें कैफीन वाली चीजों से दूर रहना है, जिसमें कैफीन ज्यादा होता है उन चीजों से दूर रहना है, और दिन के कम से कम 1 या 2 चाय कॉफी जो भी आप लेते हो वो आप ले सकते हो, लेकिन 1 से 2 भी सिर्फ दिन में, रात के टाइम बिल्कुल भी इसको अवॉइड करना है। प्लस मैदे वाली चीजों को अवॉइड करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, जिसमें ज्यादा फैट हो सकता है उसको ज्यादा अवॉइड करना है। प्लस अगर आप फ्रूट्स को सोचते हो कि फ्रूट्स को भी आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो, तो बिल्कुल कीजिए, उसमें कोई नो डाउट, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ज्यादा शुगर वाले जो फ्रूट है वो ऐड करेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है, आपका इंसुलिन लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि फ्रूट्स में भी शुगर पाया जाता है। नेचुरल है तो क्या हुआ है, तो वो शुगर ही ना, तो आप उसमें एक टाइम पे वो शुगर वाला ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं लेना है, भरपेट नहीं खाना है, मतलब एक लिमिट से। और आपको हाइड्रेट रहना है, पानी पीना है अच्छे से, अपनी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग 8 से 10 गिलास पानी पीना है, क्योंकि हाइड्रेशन आपका प्रॉपर रहेगा तो आपकी पूरी बॉडी क्लीनिंग रहेगी, आपको एक्ने की दिक्कत नहीं रहेगी, आपको जो ब्रेकआउट्स होते हैं उसकी दिक्कत नहीं रहेगी, डलनेस की दिक्कत नहीं रहेगी, रिंकल्स की दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर आप अपनी डाइट ही ठीक कर लेते हो ना, तो जो आप जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह लगाते हो ना, वो आपको उतनी ज्यादा लगाने की नीड नहीं पड़ेगी, अगर आपकी डाइट अच्छी है तो। बाकी का काम आपकी डाइट कर देती है, बाकी का काम तो DIYs वगैरह कर ही देते हैं। आपको मेरी ये डाइट वाली वीडियो कैसी लगी, जो स्किन से रिलेटेड है, वो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बता सकते हो, अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे सपोर्ट कर दीजिए और अपना प्यार दीजिए, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।